हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं BLDC मोटर कैसे काम करता है और इसका जरूरत क्या है और क्यों पड़ी, इसका मतलब इसको लाने का जरूरत क्यों पड़ गया, तो आज हम उस पर बात करेंगे। मैंने आपको अलग अलग मोटर को अलग अलग जानकारी दिया, आप अलग अलग वीडियो में नीचे ऊपर स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करते, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि यदि आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मैंने जो टॉपिक लिखा सीधा हाउ BLDC मोटर वर्क्स, मतलब BLDC मोटर काम कैसे करता है, तो पहले ये आपको समझा देता हूँ बेसिक चीज़ें कि BLDC मोटर होता क्या है। पहले तो BLDC मोटर ऐसा मोटर होता है, DC मोटर ऐसा एक DC मोटर है जिसमें कार्बन ब्रश होता ही नहीं है। तो BLDC मोटर का पूरा नाम ही होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस का मतलब बिना ब्रश वाला, मतलब बिना कार्बन ब्रश वाला डीसी मोटर। तो कभी डीसी मोटर आपने देखा है जिसमें कार्बन ब्रश ना हो? ऐसा नहीं होता। जनरली आपको बताया जाएगा AC मोटर में कार्बन ब्रश नहीं होता, डीसी मोटर में होता है, लेकिन अपवाद हर जगह होता है ना, एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन है कि डीसी मोटर होते हुए भी इसमें कार्बन ब्रश नहीं है, इसका नाम है ब्रशलेस डीसी मोटर। ठीक है, इसका ये आप समझिए कि इसका मतलब नाम क्या है ब्रशलेस डीसी मोटर और क्यों नाम है, इसमें ब्रश नहीं होता इसलिए इसको इसका नाम ही है ब्रशलेस डीसी मोटर। देखिए दोस्तों इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इसमें ना जो कंट्रोल है ना बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब जितना आप चलाना चाहते हो उतना ही चलेगा, जितना डिस्टेंस आप तय करना चाहते हो उतना ही तय करेगा, जितना चक्कर आप लगाना चाहते हो उतना ही चक्कर लगाएगा, या फिर आप आधा चक्कर लगाना चाहते हो तो आधा ही चक्कर लगाएगा। तो इस केस के लिए ब्रशलेस डीसी मोटर बनाया जिसमें कंट्रोल ज़्यादा है। आदमी चाहता है ना हर एक चीज़ पे, धरती पे कंट्रोल करना, क्लाइमेट पे कंट्रोल करना, मतलब दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है। तो जितना कंट्रोल आदमी किसी चीज़ को कर सकता है उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, सोचेगा कि वही वाली चीज़ हमको ज़्यादा यूज करनी चाहिए। सब्जी में नमक ज़्यादा डालना से एक प्रॉब्लम है, और सब्जी में नमक डालना हमारे कंट्रोल में कि हम अपने हाथों से डाल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने हाथों से डालो और एकदम कंट्रोल वे में डालें जितना चाहिए उतना ही। तो इसी तरह से ये मोटर भी इसीलिए आया है, बाकी सारे मोटरों में इतना अच्छा कंट्रोल नहीं था। उसका रीजन ये था उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता था। फीडबैक सिस्टम मतलब इसमें जो फीडबैक होता है मोटर के ऊपर एक एनकोडर लगा रहता है, पोजीशन सेंसर था, मुझे पोजीशन एनकोडर देखिए मैंने दिखाया, मैं बताऊंगा बाद में, थोरली बता रहा हूँ मैं अभी। तो ये क्या बताता है कि कंट्रोलर को सब बता देता है कि भाई ये 10 डिग्री घुमा है, 20 डिग्री घुमा है, 100 डिग्री घुमा है, 360 डिग्री घुमा है, वो बताता है इसको, उसके हिसाब से कंट्रोलर इसको सप्लाई देता है मोटर को। ठीक है, वो आगे की बात, मैं शुरुआत करता हूँ यहीं से। देखिए डीसी ब्रशलेस डीसी मोटर में जो पार्ट मैंने यहाँ पे, आप इस पोर्शन को आप भूल जाए क्या है, पहले यहाँ से बात करते हैं। ब्रशलेस डीसी मोटर में जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको ध्यान होगा, यदि पता होगा तो मैं ठीक है, नहीं पता होगा तो भी बता देता हूँ। ब्रशलेस डीसी मोटर में ना 3 फेज होता है, जनरली लोग उसको 3 फेज AC मोटर बोलते हैं, बट होता नहीं, वो 3 फेज मोटर होता है बट DC मोटर होता है। तो उसमें जो फेज का नाम रहता है, AC मोटर 3 फेज में आपको नाम क्या रहेगा, R/B। मैंने ये कलर कोड यूज किया, इसका मतलब ये मत समझेगा ये R/B है। इसमें जो फेज का नाम होता है UVW। अब आप इसका मतलब मत पूछ लेगा UVW का नाम फुल फॉर्म का, जैसे R/B का मतलब, R/B का मतलब रेड ब्लू ग्रीन होता है, रेड ब्लैक एंड ब्लू होता है, सॉरी रेड येलो एंड ब्लैक होता है, इस अभी ब्लैक हो गया, पहले ब्लू होता था, तो रेड येलो ब्लैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन UVW का नाम जनरली कहीं मुझे मिला नहीं और शायद होता भी नहीं, एक टर्म के हिसाब से रख दिया गया। तो BLDC मोटर में जो 3 फेज होता है वो UVW होता है, इसमें R/V नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट 3 इनपुट इसका 3 फेज है, और उसके बाद इसमें एक रोटर रहता है और 6 पोल 8 पोल डिपेंड करता है मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, मोटर का ये आपका डिजाइन कैसा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है उसमें फील्ड के वाइंडिंग कितने रहेंगे। तो ये जो वाइंडिंग है 1 2 3 4 5 6, मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, उसका काम आगे पड़ेगा, मोटर में नहीं लिखा रहता है, मैंने आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो ये 6 फील्ड वाइंडिंग है, तो इसको 6 पोल मोटर बोलेंगे, जितनी वाइंडिंग रहेगी ना, जितनी फील्ड वाइंडिंग रहेगी उसको 6 उतना पोल, मतलब 4 वाइंडिंग है तो 4 पोल, 6 वाइंडिंग है तो 6 पोल, 8 वाइंडिंग है तो 8 पोल मोटर बोलेंगे। तो इसमें 6 वाइंडिंग है तो 6 पोल BLDC मोटर है, ब्रशलेस डीसी मोटर। और ये बीच में मैंने गोला बनाया है, ये आपका रोटर है, मैंने लिखा है देखिए रोटर। रोटर भी 2 तरह का होता है, एक परमानेंट मैग्नेट टाइप, एक बिना परमानेंट मैग्नेट वाला, उसमें कॉपर वायर्स होता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट टाइप वाला है। ये समझाना समझना आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ये बनाया वीडियो, अगली बार कॉपर वायर वाला बना देंगे।
तो ये परमानेंट मैग्नेट टाइप। अब परमानेंट मैग्नेट टाइप मैंने बोला तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि रोटर में जो मैग्नेट लगा रहेगा परमानेंट मैग्नेट, मतलब रोटर में बिना पावर दिए उसमें मैग्नेट रहेगा, पावर दो या ना दो उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, मैग्नेट का ही रोटर रहेगा, सिंपल बात है। तो मैग्नेट जो है रोटर जो है परमानेंट मैग्नेट टाइप होगा, लेकिन फील्ड में परमानेंट मैग्नेट नहीं रहेगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। फील्ड में अपना क्वाइल ही रहेगा, छह फील्ड है मतलब छह क्वाइल इस मोटर में रहेंगे, इसमें मैंने दिखाया इसके हिसाब से छह क्वाइल रहेंगे इस मोटर में। अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी भी हम क्या करते हैं, सपोज मैंने कोई बल्ब जलाना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सपोज मैंने कोई बल्ब जलाना है, ये वाला बल्ब है, ये वाला मान लीजिए कि बल्ब है, इसको जलाना है, इसमें मान लीजिए एक प्लस एक माइनस है, हमने ये वाला सप्लाई दिया तो जलेगा, ये फले ना दे जलेगा, कभी ना जलेगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये सप्लाई देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, या फिर सिर्फ ये सप्लाई दे तो बल्ब नहीं जलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये सप्लाई से लेके बीच में लगा के एक बैटरी जो भी लगाना आपको बैटरी लगाना है, ये लगा के ही आपको ये बल्ब जला सकते हैं, नहीं तो नहीं जलेगा। मतलब क्या, जब तक ये बल्ब का जो सर्किट एक पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं होगा दोनों साइड में, इन और आउट दोनों में, तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा, इस बात का आपको ख्याल रखना। वैसे ही किसी भी मोटर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम में, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में, जब तक पावर सप्लाई से एक सीरीज में, सीरीज या फिर बल्ब के साथ ही पावर सप्लाई सीरीज में यहां से आए, यहां से आए और यहां से सीरीज हो गई, यहां निकल गया, तो जब तक किसी पावर सप्लाई से सीरीज में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं लगेगा, तब तक वो इलेक्ट्रिकल सर्किट काम नहीं करेगा, उसका पावर सप्लाई यूज में नहीं आएगा, मतलब बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए बात, ये हो सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएलडीसी मोटर में या बल्ब में लागू हो। तो वैसे बीएलडीसी मोटर में इसमें तीन फेज है, समझ रहे, इसमें तीन फेज है, तीन फेज है, तो समझना ये पड़ेगा कि मान लीजिए तो एक बार में कोई भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी थ्री फेज सप्लाई में एक बार में दो ही सप्लाई चालू रहता, तीसरा बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसका रीजन अलग है, वो आज आपको नहीं समझा पाएंगे, थ्री फेज सप्लाई के सप्लाई जब आपको बताएंगे तो आपको समझाएंगे तीसरा बंद क्यों किया जाता है, यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सिर्फ समझो बीएलडीसी मोटर कैसे काम करता है। तो ये बात आप गांठ बांधो आज के लिए कि UBW में से एक बार में सिर्फ दो ही फेज चालू रहेगा, ओनली टू फेज UB चालू रहेगा, या तो VW चालू रहेगा, या तो WU चालू रहेगा, तीनों में से दो ही फेज एक बार में चालू रहेगा। तो दो फेज का मतलब क्या, एक प्लस एक माइनस मान लेते हैं, ऐसे ये प्लस माइनस नहीं होता, ये तो एक तरह का एसी सप्लाई होता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड एसी सप्लाई रहता है, डीसी सप्लाई रहता है, डीसी सप्लाई ऐसे बोले तो फ्रीक्वेंसी रहता है, लेकिन मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या है, अब वो मैं समझा दिया कि UBW क्या है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद हमको इसका कनेक्शन हमको समझना पड़ेगा कि वो क्या है, कनेक्शन कैसे कैसे मैंने इधर सुधर उधर सुधर इधर सुधर उधर सुधर पूरा घुसेड़ दिया है। तो आपको इसको अन्यथा नहीं लीजिए, ये बहुत दीजिए, समझने का चक्कर है, बहुत दीजिए, बहुत बहुत दीजिए, आप सिर्फ मैं समझाना शुरू करता हूँ। सपोज मैंने यू वायर का कनेक्शन हो करना है अपने को, यू वायर का कनेक्शन बीएलडीसी मोटर में किया हुआ है, कभी भी ना, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक बार में आमने सामने का फील्ड ही एनर्जाइज होगा, मतलब यदि ये फील्ड में पावर जा रहा था इसके सामने वाले फील्ड में जाना जरूरी है, नहीं तो मोटर मुश्किल से मतलब नहीं चलेगा, इस केस में तो नहीं चलेगा, अलग केस में, स्पेशल केस में स्टेपर मोटर होता है तो चलता है, स्टेपर मोटर की कहानी देखो उसको भूल जाओ आप। तो इस बाकी सभी मोटरों में क्या है ना, आमने और सामने के फील्ड वाइंडिंगों में सप्लाई जाना चाहिए, यदि इसमें जा रहा तो इसमें भी आएगा और इसमें जा रहा तो इसमें भी जाएगा और इसमें जा रहा तो इसमें भी जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें आ रहा और इसमें नहीं आके इसमें आएगा तो फिर मोटर नहीं चलेगा, कभी भी आमने सामने ही सप्लाई आनी चाहिए, पहला गांठ बांध दीजिए, मोटर का ये रूल है, ये अपना रूल तोड़ेगा तो ये चलेगा नहीं, इसका कानून है, जंगल का कानून बोलते हैं सिर्फ मोटर का कानून। तो अभी हम लोग सपोज मैंने यू सप्लाई का कनेक्शन करना शुरू करते हैं, यू वाले सप्लाई से कौन कौन सा फील्ड वाइंडिंग एक्टिवेट होगा, तो मैंने क्या बोला था, यदि इसमें भी आता इसमें सप्लाई जाना चाहिए क्रॉस में, पहला था क्रॉस को जो इसका क्रॉस कौन सा है, ये वाला है, तो देखिए इसमें सप्लाई आया, इससे आउट हुआ सीरीज होकर इसमें चला चला गया ना, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये में और ये में सप्लाई चालू हो गया। अब क्या करेंगे, इसका आउटपुट हमको देखिए तीनों के साथ सीरीज किया, ध्यान दीजिएगा ये तीनों सीरीज जो है ना वो अलग कहानी है, ये तीनों सीरीज इसलिए है कि हमको एक बार में दो ही को ऑन करना है, तो ये इसको आप भूल जाओ, एक को सप्लाई दोनों में दे दिया, ये वाला वायर एक ए में आया है, ए में आया और ए में आया, तीनों सीरीज एक बार में, और लास्ट में बताता हूँ, पहले यू और वी और डब्ल्यू का कहानी कर देता हूँ। यू की कहानी होगी इसमें सप्लाई दे और इसको सीरीज करके सामने वाले में दे दिया, सही ना, ध्यान दीजिएगा, मैं कर देता हूँ इसका, ये वाला यू की कहानी बन गई, ठीक है आमने सामने। अब हम लोग आते हैं वी में,
V की कहानी यहाँ पे, V की कहानी शुरू होगा पांच नंबर कॉइल से। पांच नंबर कॉइल से आप खुद सोच लो, कमेंट में बता दो हमारे बोलने से पहले कि इसके सामने का कॉइल कौन सा है। इसके सामने का कॉइल दो नंबर, तो ध्यान से दीजिएगा, इसके सामने का कॉइल यहाँ से उठाया सप्लाई और दो नंबर में दीजिए, डी का कनेक्शन पूरा। ठीक है, अब मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, वी का कनेक्शन पूरा। अब हम लोग आते हैं यू और वी, अब डब्ल्यू में आते हैं। डब्ल्यू का कनेक्शन हम लोग करना शुरू करते हैं। डब्ल्यू का कनेक्शन कैसे होगा देखें, डब्ल्यू का कनेक्शन फिर से वैसे चलते, बचा हुआ दो पार्ट फिर भी मैं बता रहा हूँ। डब्ल्यू यहाँ से चलो, ये डब्ल्यू यहाँ से तीन नंबर में, इसके सामने का कौन सा है कॉइल, छह नंबर। ध्यान देते डब्ल्यू से सीधा देखिए कनेक्शन, ये ब्लू वाला है ना, सीधा यहाँ पे आ गया। ये गोल ऐसे जहां जहां मैं गोल किया हूँ उसका मतलब वो वायर को वहां जुड़ा हुआ नहीं, वो जंप किया, इसको जंप बोलते हैं इलेक्ट्रिकल भाषा में, इसको जंप बोलते हैं। मतलब ये वायर को यहाँ जंप कर रहा है, ज्वाइंट नहीं है, जहां भी ऐसे किया है वो ज्वाइंट नहीं, वो जंप कर रहा है, उसको जंप बोलते हैं। तो ये जो है इसका कनेक्शन ऐसे हो गया यहाँ से, सॉरी मैंने गलत स्केच उठा लिया, ये वाला जंप यहाँ से, हाँ इसके सामने का एडजस्टमेंट ये आ रहा है, समझ गए। जब ये चालू होगा तो इसके साथ ये सप्लाई, ये भी फील्ड चालू हो जाएगा, जब ये चालू होगा तो इसके साथ ये भी चालू हो जाएगा, जब ये चालू होगा तो इसके साथ ये भी चालू हो जाएगा। इस बात को आप गांठ बांधना है तो बांध लीजिए, नहीं बांधेंगे तो भी आपको ऑप्शन नहीं, आपको बांधना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गए कौन किससे किससे है। अब अपन लोग क्या करते हैं यहाँ से आगे, बाकी चीजों को भूल जाना, मैं जितने पे बोल रहा हूँ उतने पे दिमाग लगाना, तो आप कन्फ्यूज हो जाओ। ईजी है कनेक्शन, ईजी समझ गए। अब ये सीरीज की बात करते हैं, ये सीरीज सिर्फ इसलिए है, ये सीरीज सिर्फ इसलिए है कि बचे हुए कनेक्शन को यदि हम यू और वी के साथ चलाते हैं और वी और डब्ल्यू के साथ चलाते हैं तो इस हिसाब से इसको कनेक्शन करना है। तो इसमें भी क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट में नहीं जाना है, एक को छोड़ के। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है ना, कि आमने सामने, ये आमने सामने में जा रहे थे, अभी आमने सामने को छोड़ के ये जो सीरीज कनेक्शन होगा एक को छोड़ के होगा। मैं बताऊंगा, जब भी बताऊंगा ना ये वाला चीज में, तो पता चल जाएगा कि आमने सामने ना करके एडजस्टमेंट में सीरीज क्यों किया। तो देखिए क्या होगा, ये वाला चार नंबर में पांच नंबर को छोड़ के छह में देखे सीरीज कर दिया, यहां से आया आ रहा आ रहा छह में कर दिया, फिर एक को छोड़ के दो में कर दिया। ध्यान से देखिए, ये लाल वाला चला है यहाँ पर, इसमें कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, बचे हुए सभी कनेक्शन जो यू के कनेक्शन कर दिए, वी के कनेक्शन कर दिए आमने सामने करके, डब्ल्यू के कनेक्शन कर दिए, बचे हुए सभी कनेक्शन, तीन कनेक्शन बचेंगे, ज्यादा बचेंगे नहीं, ये सिक्स पोल में, तो बचे हुए सभी कनेक्शन को ये एक वायर सीरीज कर देगा। एक बार सीरीज कर दिया, बचे हुए सभी कनेक्शन क्या, एक एक क्वाइल छोड़ के, एक एक फील्ड वाइंडिंग छोड़ के उसमें आपको सीरीज करने का ऑप्शन बचेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, सपोज मानी एग्जाम्पल, सपोज मानी क्योंकि ऐसा ही होता है, इसको इनपुट ऐसा ही मिलता है। सपोज मानिए यू और वी, मैंने बहुत पहले बताया है कि एक बार में दो ही फेज चालू होगा, कभी भी यू वी डब्ल्यू तीनों में एक साथ पावर नहीं आ सकता है, इम्पॉसिबल है, ऐसा में रूल टूट जाएगा, इलेक्ट्रिकल का रूल है वो, कानून टूट जाएगा। और मशीनें अपना कानून कभी नहीं तोड़ती है, आदमी तोड़ता है, जानवर तोड़ सकते हैं, जानवर भी नहीं तोड़ते, लेकिन मशीनें बिल्कुल अपना कानून नहीं तोड़ती है। तो यू और वी यदि तीनों चालू, यू वी डब्ल्यू तीनों चालू होगा, अगर इलेक्ट्रिकल का कानून टूट जाएगा, तो एक बार में यू और वी चालू होगा, दूसरी बार में वी और डब्ल्यू चालू होगा, तीसरी बार में डब्ल्यू और यू चालू होगा। तो सपोज मानिए हमने जब सप्लाई दिया उस समय यू और वी चालू हुआ, पहली बार में यू और वी चालू हुआ, तो क्या होगा यू के केस में, एक इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले आपको बाई बटा है थोड़ा हल्की, इससे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा टेक्निकली हार्ड लग सकता है आपको, लेकिन आप समझिए। यू से सप्लाई चलो, एक कभी कभी गेम खेले ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा 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 रहता है, इसमें बोलेगा कि यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे घास का मैदान है, खरगोश को घास तक पहुँचाओ, आपको ऐसे 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 करते करते यहाँ तक पहुँचना, इसमें उस तरह का आपको उस तरह का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ रहे, घास तक पहुँचाना है। इसमें कहीं कहीं ऐसा रास्ता रहेगा, उधर इधर का भी रास्ता दिखेगा, इधर भी दिखेगा, लेकिन इधर गए तो खत्म रहेगा, आगे ब्लॉक रहेगा तो खत्म रास्ता ही रहेगा। यहाँ पे उसी तरह से थोड़ा सा है, आप एक थोड़ा सा हम लोग गेम जैसा खेलते हैं, समझिए मैं गेम खेल रहा हूँ और आप देखो और अभी गेम खेलना सीखो और आगे जाके ये गेम आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए यू और वी का सप्लाई चालू है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैंने पहले से लिख के रखा ताकि मेरे से जरा सा भी मिस ना हो, मैं गलत बताया एक पॉइंट तो आपको 10 पॉइंट गलत समझ में आएगा, तो मैं गलती की कोई गुंजाइश ना रखूं इसके लिए मैंने पहले लिख लिया। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा, ये क्वाइल का नंबर है, छह क्वाइल है, छह का एक एक नंबर है, 1 2 3 4 5 है, ये मैंने ये लिखा है कि यदि यू और वी चालू रहे, यू और वी में सप्लाई देंगे तो कौन कौन सा क्वाइल एक्टिवेट होगा, एक बार में
दो क्वाइल एक्टिवेट हो, सॉरी एक बार में चार क्वाइल एक्टिवेट होगा, दो क्वाइल नहीं एक्टिवेट होगा, ध्यान दी 1 4 2 5 पहली बार। तो हम देखते हैं यहां से सप्लाई देते यू का, यू का सप्लाई दिया, यू और वी मतलब क्या है, सप्लाई यू से निकल के, सप्लाई यू से निकल के वी में क्लोज हो जाएगा, समझ रहे हैं? जैसे बैटरी में क्या प्लस से निकल के माइनस में चला जाता है, तो वैसे ये यू और वी है, यू से निकल के वी में जाके खत्म होना चाहिए, सप्लाई का मतलब यही। तो अब देखिए यू से शुरू किया, एक नंबर क्वाइल में पावर आ गया ना, अभी ज्वाइंट होगा तो आ जाएगा, मतलब समझे यहाँ से पावर चालू, एक नंबर क्वाइल से निकल के इसके सामने वाला एक्टिवेट, कभी बताए ये रूल कभी है, मशीन नहीं तोड़ेगा अपने सामने वाले क्वाइल को एक्टिवेट पहला तो करेगा, तो इसमें चालू हुआ पावर, इसके सामने वाला क्वाइल चार नंबर एक्टिवेट हुआ, एक और चार एक्टिवेट हो गया। अब चार नंबर से जो सीरीज होकर निकला बाहर, अब ध्यान दीजिएगा ये छह नंबर में क्यों नहीं गया, मैं वो बताता हूँ, क्योंकि अभी चालू है वी, और छह नंबर जो है ना, देखिए छह नंबर में देंगे ना तो छह नंबर ब्लू वाला डब्ल्यू में चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा छह नंबर में दिया, हम जो दिमाग लगा रहे हैं ये पजल है, तो छह नंबर डब्ल्यू में चला जाएगा, डब्ल्यू में तो पावर नहीं चालू है, इसका मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट है, वहां पे यदि पावर दे भी दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझिए ना, यदि घर में सप्लाई आ रहा है और अर्थिंग का वायर नहीं लगा तो कुछ काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो मतलब दोनों साइड से कनेक्शन होना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों जुड़े होने चाहिए तभी। तो यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने यू तो चल रहा है, यू तो सपोज मैंने यहाँ से यू एक नंबर से निकल के चार नंबर में, चार नंबर से निकल के छह नंबर में गया, लेकिन जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहाँ पर पावर चालू नहीं, डब्ल्यू का पावर चालू नहीं, तो मतलब ये वाला नहीं रहता, ये वाला भी काम नहीं करेगा कुछ नहीं, तो काम नहीं करेगा तो यही पावर आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए दो नंबर, ये दो नंबर से निकल के ये देखिए आपको आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा दो नंबर से निकल के आपको पांच नंबर में आएगा, और पांच नंबर से लेके आपको डब्ल्यू में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब दो चीज यहाँ पे थोड़ा सा गेम है, थोड़ा सा गेम, वही गेम है कि आप इस रास्ते में चले गए तो हो सकता है आगे कुछ ना मिले, अगर रास्ता ब्लॉक हो तो थोड़ा सा दूसरा रास्ता आपको देखना पड़ेगा दिमाग लगा के, देखिए समझिए ये एक नंबर जैसे सप्लाई आया इसका मतलब हमको सामने वाला लेना, समझ, मैं थोड़ा सा पहले आपको टिपिकल समझाया, आप थोड़ा इजी समझा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वाइल चालू हुआ उसके सामने वाले क्वाइल को अपने को देखना है, जो क्वाइल चालू हुआ उसके सामने वाले क्वाइल को देखना है कि वो भी चालू हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा तो गलत है, या तो हो रहा है तो वही होगा। तो एक नंबर में सप्लाई दिया जिसका मतलब हमको सीधा चार नंबर में सप्लाई आएगा, ठीक है, ये दोनों चालू हो गए, एक और चार चालू हो, फिर हमको चार नंबर से निकल के छह में नहीं दे सकता, आपको रीजन समझाया कि डब्ल्यू चालू नहीं, तो सीधा हमको दो नंबर में आते हैं, दो नंबर एक्टिवेट हो गया, दो नंबर एक्टिवेट होते ही समझना कि हमको ना पांच नंबर सामने एड्रेस में यही है, पांच नंबर एक्टिवेट होना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि दिमाग सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर दो नंबर से निकल के देखिए वायर मैंने वैसे ही किया हुआ, दो नंबर से निकल के आपको सीधा ये वायर पांच नंबर में गया, ठीक है, पांच नंबर से आप आंख इधर बंद भी कर दो तो ये वाला सप्लाई वी में ही आना है और कहीं आ ही नहीं सकता, आप बंद कर दो तो भी आएगा, समझ गए, यू और वी का सप्लाई होगा, तो मतलब क्या है 1 4 1 4 फिर क्या करेगा 2 और 5 चालू होगा, सही, यदि यू और वी जिस समय ऑन है सप्लाई तो समय 1 4 2 5 वन नंबर क्वाइल, फोर नंबर क्वाइल, टू नंबर क्वाइल और फाइव नंबर क्वाइल एक्टिवेट रहेगा, ये पहले आप समझ लो, फिर बताऊंगा ये घूमता किसे वो बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो। तो ये दो इसमें चार क्वाइल एक्टिवेट होंगे, ठीक है, अब वी टू डब्ल्यू में वैसी प्रोसीजर है, आप वी से शुरू करो, जो पहले लिखा है वी डब्ल्यू, तो पहले वी से शुरू करते हैं, वी से शुरू किया पांच नंबर क्वाइल, पांच नंबर क्वाइल का मतलब दो नंबर क्वाइल, अभी उल्टा हो गया, पांच नंबर क्वाइल का मतलब दो नंबर अभी एक्टिवेट होना चाहिए, देखो तो दो नंबर इधर से आया है ना, आ गया, और फिर दो नंबर क्वाइल से चाल के अपने को क्या करना है, अपने को लाना क्या है वी टू डब्ल्यू में, तो अपने को ब्लू वाले को पढ़ना, देखे यहां से दो नंबर क्वाइल से फिर छह नंबर में, और छह नंबर का एडिशन कौन है तीन नंबर, ये देखे सीधा तीन नंबर में जाएगा, कहीं और जाएगा ही है ना, तीन नंबर, तीन नंबर से सीधा निकल के डब्ल्यू में हो गया वी टू डब्ल्यू, 5 2 6 3 ध्यान दीजिएगा, 5 2 6 3 बी से निकला 5 2 6 3 ठीक है, एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है। अब आते हैं W टू U में क्या क्या चालू होगा, W टू U ध्यान दीजिएगा, यहां से W चला तीन नंबर, अब आप समझ रहे होंगे, आप हमसे पहले सोच लेते होंगे कौन सा, तीन नंबर चालू होता तो वायर देखे जुड़ा होगा, छह नंबर चालू होगा, छह नंबर जैसे चालू होगा इससे सीरीज होकर जो जाएगा अब चार नंबर चालू हो जाएगा, क्योंकि W टू U में आना तो हमको ब्लैक में जाना, इधर नहीं जा सकते, इधर ब्लू वाला है, इधर जो आपको सॉरी रेड वाला आ जाएगा, रेड वाला भी है, ठीक है, अभी तो वी नहीं चालू, अभी इस समय लास्ट में ना इस केस में वी नहीं चालू, तो अपना डब्ल्यू टू में जाना, तो डब्ल्यू टू का मतलब यहाँ से है पहले तीन नंबर, तीन नंबर के बाद छह नंबर, छह नंबर के बाद आपको चालू हो जाएगा चार नंबर, चार नंबर के बाद एक नंबर, तीन छह चार, ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है समझने का चक्कर, आप ध्यान से देखो वीडियो, फॉरवर्ड बस करके देख लीजिए, मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बैक कर लेते फिर समझते क्या बोला इस लॉन्डे ने, तो ध्यान से समझिए ये बातें आप समझ गए,
कि ये इसका सप्लाई कैसे चालू होगा। अब हम बोल रहे हैं बार बार ये बात, मैं क्यों बोल क्या बोल रहा हूँ भाई, एक बार में दो ही चलो, एक बार में दो ही चलो, एक बार में दो ही चलो, लेकिन दूसरा कब चालू होगा। मान लीजिए जब हम YouTube ही चालू कर दिए तो V2W कब चालू होगा ये कौन बताएगा। तो ये पहले, उससे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ये घूमता कैसे है। मैंने एक डीसी मोटर में भी बताया था, ये कनेक्शन का ही फर्क है, उसके बाद कंट्रोलर सारा काम करता था। ये घूमता कैसे है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए ना, सपोज मानिए मैग्नेट है। सो मैग्नेट में यदि आप थोड़ा बहुत मैग्नेट की जानकारी रखते होंगे, दो पोल होता है N और S। सपोज मानिए यहाँ पे N है तो ये वाला S रहेगा, उसके सामने का जो ये पोल है वो S रहेगा। तो क्या होता है, मैग्नेट का रूल क्या है, मैग्नेट भी एक तरह का मशीन है या मटेरियल है, जो भी प्राकृतिक चीज है या फिर जो भी, तो उसको तो ये भी अपना रूल नहीं तोड़ता। तो मैग्नेट का रूल क्या है, N और S दो पोल होता है, ठीक है। मैग्नेट का रूल क्या है, दो सेम पोल आमने सामने आएंगे तो, मतलब कि एक मैग्नेट N का ले लिए, दूसरा मैग्नेट भी आपको N साइड से ही अब चिपका रहा है। सपोज मान ये मैग्नेट है, यहाँ पे N है, सॉरी यहाँ S है और यहाँ N है, और दूसरा मैग्नेट भी आपने यहाँ पे N ही रख दिया है। S मैग्नेट में दोनों पोल होंगे, चाहे छोटा मैग्नेट हो चाहे बड़ा मैग्नेट हो, बड़ा मैग्नेट 25 पार्ट में तोड़ दीजिए तो भी सभी अलग अलग मैग्नेटों में पार्टों में दो पोल होंगे। तो सेम पोल होने से क्या हुआ ना, दोनों में रिपल्सन होगा। कभी कभी आपने मैग्नेट को देखा होगा, दोनों को चिपका के, तो मैग्नेट दूर भागने की कोशिश करता है, भाई मैं नहीं चिपकूंगा, मेरा भाई नहीं है। भाइयों ये वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा ना हो तो आपको समझ में ना आए, लेकिन आप समझो। देखिए सेम पोल रहेगा तो रिपल्सन होगा, मतलब मैग्नेट दूर भागने की कोशिश करेगा। कभी घर में ना रेडियो टेलीविजन में रहता था और रहता है अभी भी, स्पीकर में जो मैग्नेट रहता है उसको आप एक तरफ से लगाओगे तो खींचेगा, दूसरे तरफ से टच करोगे तो भागेगा। तो क्या होता है, दोनों सेम पोल N और N आ गए, दोनों N और N आ गए तो धक्का मारेगा उल्टा। लेकिन यदि यही मैग्नेट, यदि यहाँ पे S है, यहाँ N है, और यहाँ पे मैग्नेट में S और N यहाँ पे हो जाए, मतलब क्या होगा, ये उल्टा पोल है, ये N और S है, तो ये क्या करेगा, अपने ये खींचना शुरू करेगा, दोनों को खींच के एक जगह चिपक जाएगा, दो मैग्नेट एक साथ अलग अलग पोल के रहेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या है, आप समझने क्या है, यहाँ पे चार वोल्ट लागू होते हैं, NN, SS, SN, NS ऐसा लागू होता है। तो आपको अभी जो समझाया मैंने, पहला रूल NN सेम पोल है तो रिपल्सन रहेगा, R मतलब रिपल्सन, ठीक है। SS रहेगा, सेम पोल रहेगा तो भी रिपल्सन रहेगा, रिपल्सन मतलब दूर भगाना, धक्का में भागो यहां से, रिपल्सन मतलब धक्का भागा, भागना है भगाना जो भी है, धक्का मारना, रिपल करना। और मान ली अलग अलग पोल है, N और S है तो अट्रैक्शन रहेगा, खींचेगा उसको। S और N है, ये भी अलग अलग पोल है तो आपको इसमें भी अट्रैक्शन रहेगा, चार हो गए, ठीक है। तो इसमें N और S वाली फंक्शन काम करते हैं। सपोज मान N और S कैसे होता है, यदि क्वाइल में आप यहां से प्लस दे रहे हैं और यहां से माइनस दे रहे हैं, तो जो प्लस की साइड होगा आपको N क्रिएट हो जाएगा, माइनस की साइड हो जाएगा S क्रिएट हो जाएगा, समझिए। तो ऐसे ही ये चलता है, प्लस की साइड N, माइनस की साइड S क्रिएट हो जाता है। अब समझिए क्या है, यदि हमने इधर से सप्लाई दिया और ये वाला N, यहाँ S है तो यहाँ N क्रिएट कर दिया। सपोज मैंने ये वाला N क्रिएट हो गया तो इसके सामने वाला क्या होगा, यहाँ पे S क्रिएट होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सॉरी यहाँ भी N क्रिएट होगा क्योंकि प्लस का साइज यही से ज्यादा होगा। क्या यहाँ क्या करेगा, ये वाला मोटर यहाँ पे N, यहाँ S है तो यहाँ पे S रहेगा, N रहेगा, ठीक है ना। एडजस्टेंट सामने सामने की बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे S रहेगा दोनों साइड S, यदि एक साइड से सप्लाई दे रहे थे तो क्या होगा, यहाँ पे यदि ये S है तो इसको खींच लेगा, यहाँ यदि यहाँ पे S है मैग्नेट का और यहाँ पे N बन रहा है तो क्या करेगा, यहाँ वाले लोहे को यहाँ खींच के लेके आ जाएगा, खींच लेगा ना, क्योंकि मैग्नेट यहाँ रखा है। सपोज मैंने यहाँ मैग्नेट रखा है और दूसरा मैग्नेट वहाँ रखा तो खींचना है, तो क्या करेगा, यहाँ रखा है और यहाँ पे अपने पावर दिया तो खींच के यहाँ ले, फट से यहाँ घूम जाएगा, यहाँ भी वैसी ताकत लाया फट से यहाँ घूम जाएगा। तो जैसे ही ये घूमेगा तो इसको घुमाने के लिए पावर कौन देगा, कंट्रोलर। बीएलडीसी मोटर को आप डायरेक्ट डीसी सप्लाई से नहीं चालू कर सकते, बैटरी लगाइएगा डायरेक्ट तो नहीं घूमेगा, इसको घूमने का उपाय ही नहीं, इसके लिए कंट्रोलर चाहिए बीएलडीसी मोटर को चलाने के लिए। कंट्रोलर क्यों चाहिए, मैं छोटा सा टर्म बता देता हूँ, बाकी इसका डिटेल बाद में दूंगा। उसको बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। कम्यूटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो उस प्रोसेस में एक फील्ड का सप्लाई काट के दूसरे फील्ड में सप्लाई को ऑन करना कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाता है। लेकिन एक
गिवन पीरियड के साथ में, मतलब गिवन टाइम और गिवन पीरियड के साथ में, मतलब पीरियोडिकली टाइम, मतलब अपने नियमानुसार, समझ रहे, समयानुसार यदि एक फील्ड से पावर कार्ड के दूसरे फील्ड में दे रहा है तो उसको कम्यूटेशन प्रोसेस करते हैं। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये डीसी मोटर में होता है, मैंने एक वीडियो में बताया है, हाँ डीसी मोटर वाले में, तो आप देख लेना। तो होगा क्या उस कम्यूटेशन प्रोसेस में, थोड़ा और इजी कर दो। सपोज मैंने ये वाले कॉइल और ये वाले कॉइल को ऑन किया है, तो कम्यूटेशन प्रोसेस यदि कोई मशीन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा तो चलेगा भी नहीं, कर रहा है तो क्या करेगा, जैसे ये घूम गया, जितना इस फील्ड के हिसाब से घुमाना, घूमने के बाद उसको क्या करेगा, अब इसका पावर मान लिया ऐसे घूम रहा है, तभी इसमें इसमें दोनों पावर घुमा लिया अपनी जगह पे, फिर जैसे ही घूम के यहाँ पे आया तो फिर क्या करेगा, अब इसका पावर काट के इसमें पावर सप्लाई चालू कर देगा। अब इसने सप्लाई चालू कर दिया, अभी तक तो यहाँ तक घूम के आया था, अब घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे घूम के आया तो क्या करेगा, इसका सप्लाई काट के अब इसमें सप्लाई दे देगा, इसमें जैसे सप्लाई दिया तभी यहाँ घूम के आया था, अब घूम के आ जाएगा, तो इसी तरह से घूमता रहेगा और ये पावर काट के इसमें देगा। जब क्या होगा ना, लालच, गधे के आगे देखे ऐसे करके लगा देते हैं, यहाँ पे घास गधा चलते रहेगा, मतलब फोटो ऐसा देगा, ये एक तरह का कम्यूटेशन प्रोसेस है। घास लटका दिया, गधे को लग रहा मैं तो जा, लेकिन क्या है, गधा चलते जा रहा है और घास भी उसके साथ आगे बढ़ती जा रही है, तो उसको ही कम्यूटेशन प्रोसेस करता है, ये वही करता है, लालच दिखाता है मैग्नेट को, आओ मेरे पास, जैसे यहाँ पे आता है तो फिर आगे आगे वाले इसको काटते, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, सब मेरे पास पावर नहीं है, उसके पास जाओ, यहाँ पे आया जिस फिर सरकारी नौकरी सरकारी संस्था में गए, एक के पास जाएगा नहीं उसके पास जाओ, उसके पास गए तो फिर नहीं ना उसके पास जाओ, उसके पास गए ना ना उसके पास जाओ, मतलब आप हजार लोगों से घूमने के बाद फिर इसके पास आएंगे, फिर इसके पास आएगा तो बोला कल लाओ, तो ये क्या करे, ये कल लाओ तो नहीं बोलता, फिर घुमाते रहता, बोला उसके पास जाओ उसके पास जाओ उसके पास जाओ, ये बेचारा घूमता रहता रोटर उसके चक्कर में, ऐसा होता, इसको कम्यूटेशन प्रोसेस करते हैं। तो डीसी मोटरों में कम्यूटेशन प्रोसेस जो होता है कम्यूटेटर के द्वारा होता है, कम्यूटेटर के द्वारा कहने का मतलब देखिए, जो चीज है ये जो चीज रहता है जिसपे कार्बन ब्रश चलता है, ध्यान दीजिएगा डीसी मोटर, ये जो चीज है ऊपर वाला, इसको कार्बन ब्रश चलता है, कार्बन ब्रश कैसा रहता है, तो ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर कटा रहेगा, कट का पार्ट रहेगा, तो कार्बन ब्रश क्या है, यहाँ पे यदि टच किया ये वाला कॉइल चालू हुआ है, यदि इस पे टच किया ये वाला कॉइल चालू हुआ, ये कॉइल को घूम गया, यहाँ पे घूम गया तब इस कम्यूटेटर पे आके कार्बन ब्रश चलने लगेगा, ये वाला कम्यूटेटर छोड़ देगा, तो इस कम्यूटेटर पे चलना शुरू हो गया तो हो जाएगा क्या, ये वाला रोटर में आपको सप्लाई आने लगेगा, ये वाला आर्मेचर में आपको सप्लाई आने लगेगा, तो फिर क्या करेगा, फिर घूम जाएगा। तो इसी तरह से ये कम्यूटेटर, इसको कम्यूटेशन प्रोसेस डीसी मोटरों में करता रहता है, लेकिन बीएलडीसी मोटरों में हमने पहले बता दिया कि इसमें ब्रशलेस होता है, उसमें तो बताया कार्बन ब्रश जहां पे घिसता है कम्यूटेटर पे वहां से कम्यूटेशन प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें कार्बन ब्रश घिसता ही नहीं और कम्यूटेटर होता ही नहीं, तो कम्यूटेशन प्रोसेस करेगा कौन, तो उस कम्यूटेशन प्रोसेस को करने के लिए कंट्रोलर लगा रहता है, बीएलडीसी मोटर कंट्रोलर, समझे, बीएलडीसी मोटर कंट्रोलर, तभी जाके चलेगा, डायरेक्ट आप सप्लाई बैटरी का देते हो तो जिंदगी में नहीं चलेगा। कोई कितने लोगों को क्वेश्चन होता है बीएलडीसी मोटर को बैटरी से चला सकते हैं क्या, चलाएगा तो चला नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, मशीन अपना कानून नहीं तोड़ती है भाई, जंगल का कानून है, ठीक है। ये कंट्रोलर कौन सा होता है बीएलडीसी मोटर में, कर्टिस कंपनी का 1232, बहुत सारी रहती है, मैं एक नाम बोल रहा हूँ इसलिए उसी को पकड़ लीजिए, बहुत 1232 रहती है, 1236 1238 बहुत सारी रहती है, सेवकोन का रहता है, सेवकोन का कंट्रोलर रहता है, जेनफोर एसएमई का रहता है, जापी का रहता है, या फिर अभी जो आप ई रिक्शा ये सब जो देख रहे हो ना, वो सब में मैक्सिमम में डीसी मोटर जिसमें बीएलडीसी जिसमें उसमें सब में बीएलडीसी कंट्रोलर और बीएलडीसी मोटर लगा रहता है, ई रिक्शा में रहता है, अपनी नई गाड़ी है नेक्सॉन टिगोर कुछ भी जो भी अभी ईवी बन रही है ना, नाम बोल रहा हूँ उसको पकड़ के मत बैठ जाइएगा, जो भी ईवी बन रही है सब में आपको बीएलडीसी कंट्रोलर रहता है, अपनी टाटा की गाड़ियों में जनरली आपको 1239 कंट्रोलर लगा रहता है, अलग अलग मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको दिल पे मत लीजिए, 1239 कर्टिस का, कर्टिस 1239, ठीक है, तो वो रहता है, तो बिना कंट्रोलर का ये बीएलडीसी मोटर नहीं चलता है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर पहले यू आर वी को ऑन करेगा, जैसे यू आर वी वाला घूम गया तो फिर बी और डब्ल्यू को ऑन करेगा, फिर बी और डब्ल्यू से आगे बढ़ गया तो यू आर डब्ल्यू को ऑन करेगा, फिर ऐसे प्रोसेस करके फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, ऐसे होता रहेगा प्रोसेस, समझ रहे, तो ऐसे होता रहे। लेकिन ये बात है, कंट्रोलर तो अलग बैठा है, कंट्रोलर कहीं और लगा है, मोटर कहीं और लगा है, कंट्रोलर और मोटर के बीच में एक वायर लगा है जो कि उसको पावर दे रहा है, लेकिन कंट्रोलर को कैसे पता चल रहा है कि कब इसका पावर कटना है और दूसरे फील्ड में देना है, कंट्रोलर को क्या पता, कंट्रोलर तो अलग ही दुनिया में बैठा है, कंट्रोलर यहाँ बैठा है, मोटर का फील्ड यहाँ बैठा है, कंट्रोलर और मोटर के बीच में सिर्फ एक ही कनेक्शन है, ये पावर वायरिंग, पावर वायरिंग यहाँ से लगा है और कंट्रोलर उसको सप्लाई दे रहा है, तो कंट्रोलर को कैसे मालूम, ये सपोज माने कि एक सेकंड में यहां से यहां आ रहा है, लेकिन कंट्रोलर को नहीं मालूम ना एक सेकंड में आ रहा, हो सकता है ये 5 सेकंड में आ रहा हो,
कंट्रोलर को क्या मालूम है 5 सेकंड में ये वाला फील्ड से ये वाला फील्ड में मतलब क्या कहने वाला इसकी कितनी स्पीड है ये कंट्रोलर को नहीं पता चला। मान ले कि 100 RPM पे रहे तो 100 RPM का मतलब 1 मिनट में 100 चक्कर लगा रहा मतलब 1 मिनट में 100 बार इस पे आ रहा है। इसको कंट्रोलर को क्या मालूम 100 बार आ रहा है कि 50 बार इतना घूम रहा है। तो उसको बताने के लिए एक एनकोडर लगा रहता है, पोजिशन एनकोडर उसको बोलते हैं, एनकोडर लगा रहता है। कोई भी BLDC मोटर में आपको पीछे या आगे, सबसे आगे या सबसे पीछे शाफ्ट के ऊपर एक एनकोडर लगा रहेगा। वो एनकोडर क्या करता है, मोटर का पोजीशन डिटेक्ट करता है, मोटर कितना डिग्री घुमा। सपोज माने ये पोजीशन पे एनकोडर यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, 0 पोजीशन ये मान रहा है। जैसे मोटर घूमेगा तो ये क्या, मोटर के शाफ्ट पे ना एक ये लगा रहता है पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर को ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, वो एक दांतिया गियर, गियर जो बोलते हैं गियर टाइप का चीज रहेगा, वो लगा रहता है। वो गियर क्या करता है, एनकोडर को जो डिटेक्शन है ना, एनकोडर को जो है यहाँ पे पल्स को काटता है। मतलब एनकोडर को क्या करता है यहाँ पे, जैसे ऊंचा नीचे देखिए दांतिया ऊंचा नीचे, तो क्या ऊंचा है तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे दांतिया आया है, फिर नीचे गया तो दांतिया चला गया, तो उसको पता चल जाएगा दांतिया हमारे सामने आया गया कितनी बार। सपोज मानिए ये 64 टीथ है, इसमें इसके हिसाब से कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग होती है, 64 टीथ है TWET, तो इसको पता रहेगा कि 4 टीथ यदि हमारे पास से कटा, मतलब 4 बार अप डाउन आया गया 4 बार हुआ, तो उसको उस हिसाब से प्रोग्रामिंग रहता है कि 4 बार आया गया तो समझ लेना कि एक फील्ड आगे निकल गया, अगले फील्ड में सप्लाई देना, तो उस हिसाब से प्रोग्रामिंग। जैसे क्या करेगा, अब मान लो कि इतना ने 4 बार, चलो 4 बार सपोज मैंने 4 यहाँ पे जैसे हमने यू और वी को चालू किया, 4 बार इसका कट पिट हो गया, तो समझ जाएगा कब नहीं, ये बता दे यहाँ पे 4 बार हो गया, 4 बार हो गया है। जैसे ये बोलो 4 बार हो गया, चलो B2W चालू करते, तो B2W चलो, फिर अरे भाई फिर चालू होगा, फिर 4 बार हो गया, फिर अभी क्या करेगा U2W चालू कर देगा, फिर बताएगा अरे भाई फिर से 4 बार हो गया। मतलब इसी तरह से इसको लुभावने ऑफर ये देता रहेगा, अरे हो गया, ये क्या है ना वो है, अन्यथा नहीं लीजिएगा नारद मुनि बताने वाले, ए भाई हो गया आगे बढ़ो। तो एक तरह का खबरी, मोटर से खबर निकाल के कंट्रोलर को देगा वो खबरी, तो वो उठा के इसको अरे भाई हो गया, मोटर को फिर बोला हो गया, फिर मार धक्का, फिर हो गया, मतलब ऐसा ही। तो एनकोडर का काम क्या है, फीडबैक देना। एनकोडर क्या करता है, मोटर से फीडबैक लेके कंट्रोलर को देता है। फीडबैक देना मतलब जनरली आप लोग बढ़िया से समझते हैं, किसी की जानकारी निकाल के दूसरे को देना, या फिर किसी की बात सुन के दूसरे को बताना, और फीडबैक है एक तरह से, मानिए एक तरह से ऐसा ही है। तो ये मोटर की जानकारी निकाल के कितना घूम रहा है, कितना चक्कर लगाया, फिर कितना पोजीशन आगे पीछे हुआ है, वो निकाल के कंट्रोलर को बताता है। फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है अरे भाई इतना घूम गया तो फिर और घुमाते हैं, इतना घूम गया तो फिर और घुमाते हैं, तो इस तरह से रहता है। तो BLDC मोटर का कंट्रोलर जरूरी है, नहीं तो नहीं चलेगा। इसका एप्लीकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा अभी जरूरी हो गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने क्या बताया, इसमें फीडबैक सिस्टम ये एनकोडर वाला इनकोडर से रहता है, एनकोडर से जिसमें फीडबैक आएगा। यदि किसी फीडबैक करने वाला देसी तरीका समझो, फीडबैक मतलब देसी तरीका क्या है कि यदि हमने किसी को दुकान से 1000 रुपये का सब्जी लाने दिया सपोज माने, लेकिन उस आदमी पे हमको पता नहीं कुछ सही में वहां जाके 1000 रुपये का सब्जी लाएगा को, तो हमने उसके पीछे एक और 25 रुपये का आदमी लगा दिया कि भाई सही में देखो वो सब्जी ला रहा है 1000 रुपये, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 800 रुपये की सब्जी ला के 200 रुपये इधर उधर कर दे रहा है। या फिर हो सकता है वो अच्छा आदमी निकले तो हमने 1000 का दिया, लेकिन हो सकता है महंगी सब्जी आ रहा हो तो 500 रुपये पॉकेट से लगा के तो नहीं ला रहा। तो उसको वहां से पता, उसको ध्यान देगा, उस पर नजर रखेगा कि वाह भाई सही बात है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, वो आके आपको फिर बताया कि हाँ भाई नहीं नहीं वो तो 1000 का लाया, नहीं नहीं 1100 का सब्जी लाया, चुपके से उसको 100 रुपये दे देना। तो वो उसको बोलते हैं फीडबैक, उसका फीडबैक लाके इसको हमको दिया कि हाँ भाई ऐसा है। तो ये एनकोडर का काम वही है कि इसने तो बोला कि चलो तुमको 100 RPM पे चलना है, लेकिन इसको रिटर्न बताएगा कौन, तो इसने एक खबरी लगा रखा है एनकोडर को कि भाई रिटर्न हमको बताना सही में 100 RPM पे चल रहा है क्या, यदि 100 RPM पे नहीं चल रहा है, ज्यादा पे चल रहा है तो ये डाउन कर देगा पल्स को या स्पीड को, और यदि उससे कम पे चल रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा, मतलब चलने ही नहीं देगा ज्यादा कम, क्योंकि इतनी इतना फास्ट इसका रिस्पॉन्स रहता है कि तुरंत डिसाइड कर लेता है कि करना है क्या। जितनी ये लोग बहुत लाइट की स्पीड 300,000 km/s उसकी स्पीड से समझे ना, ये भी लाइट है, इलेक्ट्रिकल लाइट भी 300,000 km/s के रफ्तार से चलता है, तो उतनी स्पीड से ये डिटेक्ट कर लेता है और प्रोसेस कर लेता है कि इसको कितना स्पीड से चलना है। इसीलिए इसको बोलते, इसका मतलब क्या हुआ ना कि आप उस चीज़ पे, उस आदमी पे आपको फुल कंट्रोल है जिस पे आपने पीछे लगा रखा है कि ये गलत नहीं, गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा।
तो इस मोटर पे इस कंट्रोलर का फुल कंट्रोल है, क्योंकि इसके पीछे खबरी लगा रखा है कि हम कितना घुमा रहा हूं तो कितना घूम रहा है, ज्यादा घूमेगा कम कर दूंगा, कोर क्या पाएगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड, एक तरह से माना जाए तो फुल्ली कंट्रोल्ड मोटर, फुल्ली कंट्रोल्ड मोटर। और फुल्ली कंट्रोल्ड मोटर जैसे हमने लिखा, तो इसका टर्म ये हो गया कि सेफेस्ट मोटर, एक तरह से मान सकते। सेफेस्ट मोटर कहने का मतलब हमने जितना बोल रहा है उतना ही काम कर रहा है, ना ज्यादा कर रहा है ना कम कर रहा है। तो यदि फॉर गाड़ियों में हम लोग जो मोटर BLDC इसीलिए प्रीफर करते हैं कि गाड़ियों में क्या होता है ना, फॉरवर्ड बस आगे पीछे होता है, तो और उसके साथ उसमें आदमी बैठे रहता है तो उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है ये मोटर लगने से। क्योंकि यदि कंट्रोल्ड फुल है, जितना हम इनपुट दे रहे उतना ही वो चल रहा है, हाई या लो नहीं चल रहा है, उससे जरा भी नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, वो उस गाड़ी को चलाना इजी होगा और वो सेफ रहेगा। इसलिए हम लोग सभी गाड़ियों में BLDC मोटर लगा रहता है। हालांकि आपका जो ये हाई स्पीड गाड़ी अपनी जो अभी नई सारी टेस्ला की गाड़ी आ रही है, सब सभी गाड़ियाँ, फिर अभी जो अपनी जितनी भी पैसेंजर कारें EV की बन रही है, बसेस आ रही है नई नई इलेक्ट्रिक बसेस, सब में इसीलिए लगाया जाता है कि ये कंट्रोल हो। और एक अरबा था, हाँ, ई रिक्शा में आप समझेगा तो ई रिक्शा थोड़ा सस्ता चीज़ है और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो तो चल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ ई रिक्शा में आपको उसमें भी BLDC मोटर ही लगता है, DC मोटर बहुत कम ही मिलेंगे। इसका एक और फायदा है, ये पावर बाकी मोटरों से कंपेरेटिवली कम खाता है और इसमें मेंटेनेंस भी कम आता है, क्योंकि इसमें ब्रश नहीं है, कार्बन ब्रश नहीं है, तो कुछ घिसने वाला पार्ट नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम आता ही नहीं है, सालों साल चलता रहेगा टाइम से आपने बेरिंग चेंज किया। तो DC मोटरों में आप कितना भी जीरो मेंटेनेंस है तो आपको कार्बन ब्रश टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका कम्यूटेटर खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, तो आपको हो सकता है रोटर बदलना पड़ेगा, आपका कम्यूटेटर रिपेयर हो सकता है, तो कम्यूटेटर नया डाल के या फिर रिपेयर करके चलेगा, तो उसमें मेंटेनेंस 100% रहेगा, ये आप मान सकते हैं 99% मेंटेनेंस फ्री है। तो इसके फायदे बहुत हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन इसका एक घाटा है कि डायरेक्ट आपको बैटरी से नहीं चलेगा, इसके लिए स्पेशल टाइप का इसी का कंट्रोलर होना चाहिए तभी चलेगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं चाहूँगा इसको दो पार्ट में करने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब फटाफट दबा के कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।